नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एकता दिवस परेड में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इसके साथ ही सिविल सर्विसेज प्रोबेशनर्स को वर्चुअली संबोधित किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे न्यायालय के आदेश का पालन भी होगा और बहन बेटियों का सम्मान भी होगा। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को आए करीब 6000 मामलों को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। जैन ने कहा कि दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का भी असर देखने को मिल रहा है। वहीं लगातार तीसरे दिन 5000 से ज्यादा कोरोना मरीजों में संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही कुल 47 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के कारण बीते कई महीनों से बंद केरल के समुद्र तट पर्यटकों का स्वागत करने के लिए फिर से तैयार है। राज्य सरकार ने रविवार से इनको खोलने का आदेश दिया है। माफियाओं से खाली कराई जा रही जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए घर बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को देवरिया की जनसभा से गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया। सर्दी ने देश की राजधानी दिल्ली में अक्टूबर में ही रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष दिल्ली में अक्टूबर का महीना पिछले 58 वर्षों से सर्वाधिक ठंडा रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस साल अक्टूबर में न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 1962 के बाद अक्टूबर महीने में सबसे कम तापमान है। इन द्वारा हाल ही में लागू किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान सरकार ने शनिवार को 3 विधेयक पेश किए। बता दें कि इससे पहले पंजाब में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने पहले ही बिल पारित किया था। उत्तर प्रदेश में शनिवार को 21 और मरीजों की मौत के बाद कोरोना संक्रमण से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 7025 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 1822 संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,81,000 से अधिक हो गई है। असम में अगले हफ्ते से कोविड-19 के सख्त दिशा निर्देशों के बीच स्कूल खोले जा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते बीते 7 महीनों से इन्हें बंद रखा गया था। अब सोमवार से इन्हें पुनः खोला जा रहा है। तुर्की के इजमिर में शुक्रवार को आए भीषण भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली है। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई है। इस भूकंप से इजमिर शहर की कम से कम 20 इमारतें ढह गईं। बताया जा रहा है कि मलबे में कई लोगों के दबे होने का भी अंदेशा है। अभी तक 12 लोगों के मरने की खबर है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।